अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नीलोफर हॉस्पिटल के पास एक माजूर के साथ जुल्म किया जा रहा है। वहीं के कुछ लीडर हैं जो बिना रुपये दिए किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह माफिया चल रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? ऐसे लोगों के साथ पुलिस भी देती है, चाहे वो लैंड ऑर्डर पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस। ऐसे पुलिस वालों की हिम्मत पर ही कुछ लोग इस तरह से गरीब और आम आदमी को परेशान करते हैं, उनको कारोबार करने नहीं देते हैं। एक कारोबारी आदमी अगर कारोबार करता है तो उसके पीछे 10 लोग होते हैं खाने वाले। उसकी क्या मजबूरी है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन वो जो भी कारोबार करता है वो मेहनत कर रहा है, हक और हलाल की कमा रहा है। और एक ऐसा ही एक जो वरंगल से ताल्लुक रखता है, नारियल बेचने के लिए यहाँ आता है, लेकिन उसके साथ जुल्म किया जाता है, उसके साथ रुपयों का मुतालबा किया जाता है। अगर रुपये नहीं देने पर उसको बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का खुलेआम रोडिज्म की जा रही है और एक किस्म का माफिया चलाया जा रहा है। यहाँ के जिम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की। और जिस तरह से पुलिस 150 के लिए इनका साथ देती है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए है, ना कि ऐसे लोग जो 150 देंगे तो उनके पैसे लेकर ऐसे गरीब को सताना, ये ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर कल के दिन आप पे भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल, मीडिया से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मालूम है सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट वारंगल डिस्ट्रिक्ट है सर। मेरे पापा में नहीं है सर, मेरे की अकेले अम्मी है सर। ये नीलोफर में मैं नारियल बंडी लगा रहा हूँ सर। नारियल बंडी लगाया तो वो ट्रैफिक पुलिस साहब मेरे को यहाँ बंडी नहीं लगाने दे रहा, बोल रहे साहब जो वाले कंप्लेट दे रहा साहब ट्रैफिक पुलिस साहब को, फिर मेरे बंडी नहीं लगा दे रहा साहब। फिर जमीर है साहब, लीडर है साहब, मेरे को पैसा दे बोल रहे, ये दे बोल रहे, वो दे बोल रहे साहब। यहाँ बंडी नहीं लगा दे रहे साहब, यहाँ निकल जा बोल रहे साहब। तो यहाँ बंडी नहीं लगाना, हाँ पहले हम आए, अभी तुम आके कहीं को लगा रहे साहब, मेरे को दे रहे साहब। मेरे कोई नहीं है सर, मैं अकेला हूँ साहब। एक मेरी माँ है, मेरे माँ है मेरे गाँव में साहब, मैं अकेला हूँ साहब। मैं मेहनत करता हूँ, मेरा माँ खाते मैं भी खाते साहब, मेरे कोई नहीं देख साहब मेरे को मदद। मेरे को 200 रुपये दिए तो लगाना बोल रहे साहब, ट्रैफिक पुलिस साहब यहाँ बंडी नहीं लगाना बोल रहे साहब। मेरा बंडी लेकर जा रहे, मेरे माल लेकर जा रहे साहब ट्रैफिक पुलिस साहब। मेरे थोड़ा मदद करो साहब, मेरे को लिखने को पड़ी हुआ साहब, फिर मेरे को कोई कुछ क्या नहीं आया। मैं मेहनत कर रहा हूँ साहब, जब कोई नहीं देता साहब मेरे को, हाँ साहब मैं मेहनत करके खत्म बोल रहे साहब। मैं मेरे को हेल्प करो साहब, हेल्प करो साहब। मैं माजूरी आदमी है साहब, प्लीज़ साहब मेरे को मदद करो साहब। ये मेज को तेरह साहब मैं नहीं है साहब, भीख मांगे तो भी कोई भी नहीं देता साहब। फिर मेरे को मेहनत करो को जीने नहीं दे रहा साहब मेरे को। हाँ मैं कैसा जीना साहब, वहाँ बंडी नहीं लगा दे रहा, वहाँ जमील साहब सब ट्रैफिक पुलिस साहब को कंप्लेट कर दे रहा। फिर मेरे को साहब ट्रैफिक पुलिस साहब आके मेरे को यहाँ बंडी नहीं लगो लगाओ बोल रहा साहब। मैं कहाँ जाके जीना साहब, मैं अकेला हूँ साहब। पर मेरा माल भी बंडी लेके जाता हूँ बोल रहे साहब, माल भी लेके गया साहब आज। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक जैसे शोबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।